अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 हमारे पास आज, लेक्चर नंबर 7 जो है इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है बर्नौली इक्वेशन। कल के लेक्चर अगर हम रिवाइज करते हैं तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारे पास के डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है उसमें हमने एन की वैल्यू को 1 पुट किया था। तो जो हमारे पास ऑब्टेन रिजल्ट था उसको हमने नाम दिया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, या हमने ये भी कहा था कि वो इक्वेशन जो कि जिसमें डिग्री डेरिवेटिव की हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 होगी या डिग्री 1 होगी, तो उसको भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दिया था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? डी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है जो कि इस शेप में होगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की पावर एन। तो जो इस टाइप की शेप में इक्वेशन होगी इसमें हम इसको बर्नौली इक्वेशन का नाम देते। अब कल जो हमने टॉपिक किया था बच्चे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी डी वाई ओवर डी एक्स था प्लस पी ऑफ एक्स वाई था इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी सेम था, आगे वाई की पावर एन ये चीज़ नहीं है हमारे लिए। अगर उस इक्वेशन में जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी के साथ राइट हैंड साइड पे वाई की पावर एन आ जाए, एन क्या है पावर है और रियल नंबर होगी, ठीक है जी, एन इज अ रियल नंबर, तो हम इस इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब अगर हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ जाए उसको हमने सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो है एफ ऑफ एक्स को सेपरेट कर देना है। ठीक है जी, सेपरेबल मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? हमें डी वाई और डी एक्स को सेपरेट करना पड़ता था। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को सेपरेट कर देंगे, ये हमारा पहला स्टेप है। तो एफ ऑफ एक्स के साथ क्या है? वाई की पावर एन है, तो वाई की पावर एन को डिवाइड करेंगे तो जब इस साइड पे आ जाएगा वाई की पावर एन इधर से कट गया तो ये बच जाएगा वाई की पावर एन माइनस एन, नीचे आएगा तो वाई की पावर एन होगा, जब उसको ऊपर लेके आएंगे तो वाई की पावर माइनस एन हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स वैसे आ जाएगा, पी ऑफ एक्स वैसे है। अब यहाँ पे वाई की पावर 1 है ऑलरेडी, ठीक है बेटा, वाई की पावर हमारे पास 1 है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ मैंने जब वाई को बेटा डिवाइड किया है ये बेटा वाई है, इसको हमने डिवाइड किया किस पे? वाई की पावर एन पे। ठीक है, जब हमने डिवाइड कर लिया वाई की पावर एन पे तो ऊपर जो पावर है वो 1 है, नीचे पावर जो है वो एन है। जब बेस सेम हो और पावर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो पावर आपस में क्या होती है? माइनस हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा? माइनस हो जाती है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वाई की पावर सॉरी ऊपर 1 है, 1 पहले लिखेंगे, और नीचे जो पावर है उसकी एन है, तो 1 माइनस एन हो जाएगा, तो वाई की पावर 1 माइनस एन आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? मैं यहाँ पे चलो आपके आसानी के लिए इनको स्टेप्स बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी, हाउ कैन वी सॉल्व अ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन ठीक है जी, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी सॉल्व अ बर्नौली इक्वेशन, हम लिखते हैं स्टेप 1। पहले स्टेप में हमने क्या करना है? स्टेप 1 में बेटे क्या करना है कि हमने इसको इस शेप में लेके आना है, इसको इस शेप में हमने लिखना है इस शेप में कि एफ ऑफ एक्स जो है वो सेपरेट हो जाए, हो गया बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास स्टेप 2, जो जिसको हम बोलेंगे स्टेप 2, ये है
कि जो हमारे पास वैल्यू है पी ऑफ एक्स के साथ वाली, ठीक है जी, उसको हम लेट कर लेते हैं कि ये डब्ल्यू है। बेटे जब हम ये वाला काम कर रहे होते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम देते हैं। अब हमने वाई की पावर वन माइनस एन को किसका नाम दे दिया, डब्ल्यू का नाम दे दिया। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप होगा। जब बेटा आप इसको डब्ल्यू का नाम देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन फिर हमारे लिए ना। यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई की पावर वन माइनस एन। अब ये तो है वाई की पावर वन माइनस एन किसके इक्वल आ गया बेटा, डब्ल्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा तो अब बाकी वैल्यू को हमने कैसे चेंज किया है, ठीक है जी, कैसे चेंज किया कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस शेप में बन जाएगा। अब बेटा ये देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जो हमारे पास इक्वेशन टू है, इक्वेशन टू में ये देखें कि डी वाई ओवर डी एक्स है, तो यहाँ से मैं डब्ल्यू की वैल्यू में से मैं डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लूंगा। पहला टास्क जो मैंने काम करना है, तो बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई की पावर वन माइनस एन है, बोथ साइड को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा दिया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हमने जो सब्स्टिट्यूशन किए बेटा उसको हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा, मैंने आपको बताया कि हमने तो हमारा टास्क तो यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है जो हमारा टास्क है। इसी क्वेश्चन में बेटा पहला काम हमने क्या किया कि हमने एफ ऑफ एक्स के साथ जो वाई की पावर एन था उसको दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। फिर पी ऑफ एक्स के साथ जो वेरिएबल आएगा बचेगा उसको हमने डब्ल्यू का नाम दे दिया, डन। अब हमने इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे बेटा, हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। अब वाई का डेरिवेटिव लेना है तो पावर वो लगाएंगे, पावर पहले फिर पावर में से एक कम कर देंगे, वन माइनस एन में से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन, वन से वन कट गया तो क्या बचेगा वाई की पावर माइनस एन। फिर वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। आपको डी वाई और डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकालते हैं, ठीक है बच्चे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वन माइनस एन वाई की पावर माइनस एन इस साइड में मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखिए, मैं आपको ना यहाँ से मिसाल करके बताता हूँ। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास जो है वो है, यस मैं यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं हम ना। बेटा डब्ल्यू के लिए ये है, अब मैंने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब इसका डेरिवेटिव लेना है मैंने बेटा, पावर पहले आ जाएगी, पावर हमारे पास क्या है, वन माइनस एन, ठीक है। फिर पावर में से कम कर देंगे, अब पावर जो है ऑलरेडी है वन माइनस एन, एक कम कर देंगे यानी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है जी। आगे क्या आएगा, वाई का डेरिवेटिव यानी ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बेटा। अब ये देखें वन प्लस का माइनस का ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है, प्लस का वन और माइनस वन कट जाएंगे, तो वाई की पावर क्या आएगी, माइनस वन माइनस एन। अब अगर आप बेटा फोकस करते हैं तो फोकस जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यू यहाँ पे है वाई की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स, हमने टू में पुट करना है ना, तो वाई की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए तो वन माइनस एन मल्टीप्लाई है इस साइड भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब वो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप थ्री, कि इस वैल्यू को, इस सब्स्टिट्यूशन को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन एक इक्वेशन नंबर टू में, ठीक है ना। तो हमारे पास रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, तो ये हमारे पास स्टेप थ्री है कि हमने इस सब्स्टिट्यूशन को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर टू में। जब हम टू में पुट करते हैं बेटा तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स का। अब मैं बताता हूँ कैसे, प्लस पी ऑफ एक्स वाई की पावर वन माइनस एन, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब बेटा मैंने भी बताया कि
यहाँ पे चलिए आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर आपको मे बी इशू है तो बेटा ये देखिए ना, अगर मैंने वैल्यू लेनी है किसकी, वाई की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स, तो मैं ये मल्टीप्लाई है इस सेट पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कंट्रोल एफ वन ओवर जी ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, वाई की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, वाई की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वैसे आ गई। ओके ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये आ गई जी बेटा, मैंने इसकी वैल्यू जो है पुट कर दी इधर आपके सामने, ठीक है। प्लस पी ऑफ एक्स वाई की पावर वन माइनस एन, अब पी ऑफ एक्स तो वैसे का वैसे आ जाएगा, पी ऑफ एक्स वाई की पावर वन माइनस एन, ये भी वैसे हम लिख देते हैं वाई की पावर वन माइनस एन। अब बेटा ये देखिए कि अगर हमने जो है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जी पी एफ एक्स वैसे आएगा हमारे पास वाई की पावर वन माइनस एन भी वैसे आएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब बच्चे ऐसे हैं कि जब मैं यहाँ पे वन माइनस एन को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस शेप में होगा, जैसे कि यहाँ पे आंसर गिवन है आपके सामने, ये देखिए बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस शेप में आएगा, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, ठीक है, एंड वन माइनस एन मल्टीप्लाई हो गया पी एफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वन माइनस एन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप टू था। जब बेटा इसको, अब ये डेरिवेटिव आ गया ना, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि किसका आंसर होगा, आंसर ऑफ बर्नौली इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अभी मैं ये स्टेप रिवाइज करता हूँ और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे प्रॉपर फोकस करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बर्नौली इक्वेशन का। स्टेप वन क्या है बेटा, आप लोगों ने जो राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स के साथ वेरिएबल होगा उसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, ये स्टेप वन होगा। स्टेप टू हमारे पास क्या होगा कि हमने सब्सटीट्यूशन करनी होगी, क्या करनी होगी, सब्सटीट्यूशन करनी होगी। क्या सब्सटीट्यूट करना होगा कि हमने डब्ल्यू को क्या पुट कर देना है, वाई की पावर वन माइनस एन, ये क्या है बेटा, ये जो पी एफ एक्स के बाद वाली वैल्यू है, ये मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो है एक मिनट, अच्छा तो इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देना है हमने इस वैल्यू को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और फिर हमने यहाँ से वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देनी है, जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बच्चे एग्जांपल नंबर वन सॉल्व करने लगे हैं। एग्जांपल नंबर वन जो है हमारे पास वो ऐसे है कि वो कहते हैं सॉल्व, आपने सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये इसको ये क्वेश्चन है। अब बेटा इसका जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करने लगे हैं तो स्टेप वाइज ही देखते जाएंगे क्वेश्चंस को। ये हमें गिवन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहले आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है बेटा, जो जनरल फॉर्म थी बर्नौली इक्वेशन की वो क्या थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एन। अच्छा कंपेयर करो बेटा, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे तो डी वाई ओवर डी एक्स है, तो पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास वन ओवर एक्स, वाई की जगह पे वाई है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है सिर्फ एक्स है, और वाई की पावर एन ये है वाई का स्केयर, यानी एन की वैल्यू क्या है हमारे पास टू है। ओके अब जो है हमने क्या करनी है बेटा, सब्सिट्यूशन करनी है, क्या सब्सिट्यूशन करनी है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई की पावर वन माइनस एन, ठीक हो गया। जब हम सब्सिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन के अंदर बेटा, ठीक है जी, जब सब्सिट्यूशन करोगे आप तो आपके पास इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आपसे सॉल्व ना हो तो फिर आप बताइएगा, ये डिटेल के साथ मैं ऊपर इसलिए बता चुका था कि हर क्वेश्चन में आपने खुद सॉल्व करनी है।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास, ये आ गया, ये स्टेप थ्री तक मैंने बता दिया। अब ये देखें, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास लास्ट लेक्चर में किया था लीनियर इक्वेशन वाला, ठीक है बच्चे। सेम टू सेम वही लीनियर इक्वेशन बन गया आपके पास। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये वही प्रोसेस आप आगे रिपीट करेंगे। जो डब्ल्यू के साथ वैल्यू है, ये पी एफ एक्स की वैल्यू होगी, फिर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा किसकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए लेंगे आप, इंटीग्रेशन लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है हमने कल वाला लेक्चर जो पढ़ा था ये वही है, ठीक है। अच्छा मैं मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, कि हमने बेटा क्या किया। यहाँ तक तो जो चीज़ नई थी मैंने बता दिया, स्टेप थ्री तक ना, ये देखें स्टेप थ्री तक मैंने बता दिया, सारा काम वैसे कर लिया हमने। आगे इसको सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करने के लिए ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, तो लीनियर इक्वेशन को जैसे हमने कल सॉल्व किया था आगे भी हमने वैसे ही करना है। तो इस स्टेप में तीन नई बातें थी वो मैंने बता दी। पहला स्टेप कि आपने जो है एफ ऑफ एक्स के साथ जो वैल्यू है उसको बोथ साइड पर डिवाइड करना है। अब इधर देखें, अब एफ ऑफ एक्स के साथ क्या है, वाई की पावर टू है। जब वाई की पावर टू है इस साइड पर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वाई की पावर टू माइनस में आ जाएगा ना, ठीक है जी। और उसके बाद वाई की पावर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई की पावर माइनस टू है, ये वाई की पावर वन है तो वाई की पावर माइनस वन बच जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। तो वाई की पावर जो माइनस वन होगा, ठीक है, तो उसको आप करेंगे। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सब्सिट्यूशन आपने जो बाय डेफिनेशन वाली है वही पुट करनी है, उसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। अब ये देखो कि हमारे पास बेटा पी एफ एक्स की वैल्यू है वन ओवर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एन टू है। आप ये कंपेयर करके वैल्यूज निकालिए ना, अगर आपको ये रिजल्ट याद रह जाता है, ये देखो ये रिजल्ट जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला हुआ ना, ये देखो बेटा आप इस रिजल्ट में वैल्यू पुट को आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ये तीनों स्टेप याद ही ना रखो बेशक, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। मेरी बात की समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आप ये फार्मूला याद रखते हैं, ये वाला डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, ये सारी वैल्यू, तो आप एन की वैल्यू पुट करो, पी एफ एक्स की वैल्यू पुट करो और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, ठीक है बच्चे। अब ये देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ये वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस वन माइनस एन, ठीक है। अब ये देखो आप बताओ कि हमने जो कंपेयर करके एन की वैल्यू निकाली एग्जाम्पल में वो क्या थी, एन की वैल्यू टू है तो वन माइनस एन क्या आएगा आंसर बेटा इसका, जब वन माइनस एन करोगे तो वन माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस वन, ठीक है। पी एफ एक्स क्या है जो हमने कंपेयर किया, पी एफ एक्स की वैल्यू है वन ओवर एक्स, क्या है बच्चे, वन ओवर एक्स। तो यहाँ पे मतलब ये मतलब डायरेक्टली आप लिख दो, ये आएगा वन ओवर एक्स, ठीक है। आगे डब्ल्यू है तो हम डब्ल्यू लिख देते हैं, इज इक्वल टू वन माइनस एन, यानी वन माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स देख लो बेटा आप, एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास वो है एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है, तो इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है जी। तो आपको सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, आपके पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, यानी डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स, और फिर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया है, ठीक हो गया जी, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं रहती तो आप स्टेप वाइज करें कि वाई की पावर जो टू है, मतलब आप इसको कंपेयर ही ना करो, आप वाई की पावर टू को डिवाइड करो बोथ साइड पे। डिवाइड करने के बाद वहाँ पे आपने क्या करनी है, जो भी वाई के साथ आंसर रहेगा उसको सब्सिट्यूशन कर दो, उसको डब्ल्यू का नाम दो, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। बट मेरे ख्याल में ये वाला काम आसान है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब्सिट्यूशन भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने क्या करना है कंपेयर करके पी एफ एक्स एफ ऑफ एक्स और एन की वैल्यू पुट करनी है, और आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि एक लीनियर इक्वेशन होगा। अब इस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बच्चे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पी एफ एक्स की वैल्यू चाहिए,
तो पी एफ एक्स क्या होता है, डब्ल्यू के साथ ये जो वैल्यू होती है ये पी एफ एक्स होता है, यानी -1/x, कल बताया था आपको बच्चे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारे पास म्यू इज इक्वल टू क्या था बेटा, ई की पावर इंटेग्रल पी एफ एक्स डी एक्स। अब पी एफ एक्स है -1/x dx, तो हमने लिख दिया -dx/x आ गया, ठीक है। तो 1/x ये भी रूल कल ही पड़ा है, बार बार रिपीट करना बेटा मुनासिब नहीं है, आप माशाल्लाह मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं। तो 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग से पहले है तो ये पावर में आ जाएगा, नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा तो एक्स की पावर क्या आएगी, -1, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था उसमें लीनियर में, कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव को हमने प्रोडक्ट में दिखाना है कि क्या वाकई ऐसे है, और हाँ है ऐसे है। अब आप क्वेश्चन अराइज करेंगे कि सर हमारे पास ऐसे रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, तो ये जो उसने लिखा हुआ है अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ डॉट जी है, ठीक है ना, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी फर्स्ट सेम एक्स की पावर -1, बेटा मैं एक्स की पावर -1 को ये लिख देता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी डब्ल्यू का डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा dW/dx, क्लियर। प्लस अब सेकेंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स की पावर -1 का जो डेरिवेटिव आता है पावर पहले, ठीक है बच्चे, फिर पावर में से कम कर दोगे, यानी एक्स की पावर -1 है तो -1 -1 क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये काम कर देता हूँ जी, -2 है तो मैं लिख देता हूँ जी 1/x2। बात तो समझ आ रही है ना जी, पावर ऊपर -2 है नीचे आके प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब एक्स डिवाइड है उस साइड पर, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैंने मतलब मैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँ तो इधर से तो कट जाएगा जी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास dW/dx, ठीक है। प्लस अब एक एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक एक्स मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ एक एक्स बचेगा ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/x, एक तो चला गया, W इज इक्वल टू -x, ठीक है। अब ये देखो बच्चे, ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास यही वैल्यू है ना, तो ये किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, बात की समझ आ गई ना आपको, ठीक है। अच्छा अब ये रिजल्ट आ गया आपके पास कि हमने इसको डेरिवेटिव की शेप में लग दिया, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, बाय इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब एंड पे जो आंसर आता है डब्ल्यू का, डब्ल्यू में आपने क्या पुट कर देना है, वाई की पावर -1 पुट कर देना है सब्स्टिट्यूशन, तो आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया जी बेटा। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप तुमको जो है टॉपिक अगेन अच्छे से रिवाइज हो जाए। स्टेप 1 बेटा ये है हमारे पास, इस स्टेप 1 में जो है हमने क्या किया, वाई की पावर एन को इस सेट पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने सब्सिट्यूशन की, लास्ट में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गई, और उस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और उसका रिजल्ट जो है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का रिजल्ट आ जाएगा। हमने एग्जांपल को इसी तरीके से सॉल्व किया है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा वो आप लोगों ने सारे खुद सॉल्व करने हैं, ठीक हो गया जी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा जी, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।